नमस्कार दोस्तों, बीएचपीएसएन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम एथेनॉल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बेसिकली यह पर्यावरण या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी दोनों में से किसी भी टॉपिक में आ सकता है। इथेन या मीथेन, इन सभी चीज़ों का हम लोग जो है केमिस्ट्री के जो है प्रश्न पत्र में जो है अध्ययन करते भी थे, लेकिन आज के ही इस टॉपिक में हम लोग जो एथेनॉल का जो है इससे मिलता जुलता एक नाम है एथेनॉल, जो कि ईंधन के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। एथेनॉल को अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है, पर चर्चा करना जो है समीचीन समझते हैं और कि किस तरीके से ये पर्यावरण के लिए जो है मित्रवत रूप में जो है प्रयोग में लाया जाता है, और इसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार के जो है मिलों और किसानों के लिए जो है किस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण है। तो एथेनॉल जो है ये एक प्रकार का एल्कोहल है, जिसे पेट्रोल में जो है मिला करके जो है एक ईंधन के रूप में जो है उपयोग में लाया जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो है पर्यावरण के लिए मिलों के लिए और इसी तरीके से पर्यावरण के लिए मिलों के लिए जीवाश्म ईंधनों के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये पर्यावरण के लिए मिलों के लिए जीवाश्म ईंधनों के संदर्भ में और किसानों के लिए ये इन चारों पॉइंट्स के आधार पर जो महत्वपूर्ण बनता है। जबकि हम एथेनॉल यानी कि एक प्रकार का अल्कोहल जिसे कि हम पेट्रोल में प्रयोग करके मिश्रित करके जो है उपयोग में जो है लाते हैं, जैसे मूलतः जो ये गन्ने से जो है बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है गन्ना किसानों को जो है उनकी गन्नों का जो है एक उचित और लाभकारी मूल्य जो है मिल सकता है। क्योंकि जब हम उसका दो तरीके से उपयोग करेंगे तो उससे हमारा जो उत्पादन है वो जो है सस्ता हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो है इससे लाभ जो है वो बढ़ जाएगा। तो किसानों को उचित एवं लाभकर जो मूल्य इससे मिलना जो है वो आसान हो जाएगा। और इसी तरीके से चूंकि जो गन्ना मिले हैं वो चीनी के साथ साथ जो है अगर एथेनॉल का उपयोग इस आधार पर करती हैं कि उसे अल्कोहल के रूप में पेट्रोल में मिला करके जो है प्रयोग में लाया जा सकता है, तो इससे इनके जो है अतिरिक्त जो है आय में बढ़ोतरी होगी। तो मिलों को जो है कहीं ना कहीं समृद्ध होने और इन्हें विभिन्न प्रकार के घाटे और नुकसान से निकालने में मदद मिलेगी। और जीवाश्म ईंधन चूंकि ये पर्यावरण मित्रवत है और कहीं ना कहीं हम इससे ईंधन की जो है क्षमता में विस्तार करते हैं, तो हमारे जो जीवाश्म ईंधन है जिनकी मात्रा जो है निश्चित है उसके प्रयोग पर नियंत्रण आएगी और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचा पाने में जो है सफल होंगे, जिससे सतत विकास को भी जो है बढ़ावा मिलना संभव हो पाएगा। तो इस तरीके से जीवाश्म ईंधनों के जो है बचाव और फ्यूचर के लिए इसे जो है उपयोग में लाने के लिए हमारी क्षमता में जो है वृद्धि कहीं ना कहीं होगी। तो इस तरीके से हम इसके माध्यम से जीवाश्म ईंधन को भी बचाने में सफल होंगे। पर्यावरण के लिए मित्रवत इस तरीके से है कि कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग 35% इसके उपयोग के बाद जो है कम जो है उत्सर्जित होती है। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसे जो है हम बाहर जो है जिस तरीके से हम नॉर्मल जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करते हैं उसके अपेक्षा हम जब एथेनॉल को एक ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इन सभी प्रकार के जो है जहरीली और खतरनाक गैसों के जो है उत्सर्जन पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पर्यावरण में भी चैप्टर में जो है बताया गया है कि किस तरीके से जो है हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन के प्रवाह को नियंत्रित करती है, तो ब्लड के क्लॉटिंग इत्यादि को बढ़ाने में जो है ये, और इसी के तरीके से जो है दम घुटने की जैसी समस्याएं जो है इसके माध्यम से उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जैसा कि आप जानते हैं कि क्रैकिंग गैस के नाम से जो है जाना जाता है, और ये ऑक्सीजन से नमी प्राप्त करके और जब उसके साथ में जो वर्षा होती है तो ये जो है अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है, और सेम यही प्रक्रिया इसके भी साथ में जो है होती है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण मित्रवत ईंधन के रूप में हम जो है एथेनॉल के जो है उपयोग को ला सकते हैं, और आने वाले समय में सरकार की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि इसके ज़्यादातर जो है गाड़ियों में और ज़्यादातर उपयोग में इसे बढ़ाया जा सके, जिससे कि हम ना केवल जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग पर नियंत्रण स्थापित करें
बल्कि जो है पर्यावरण की भी जो गुणवत्ता को बचाए रखने में जो है हम लोग सफल हो सकें। तो अभी तक हमारे यहाँ जो ईंधन और पेट्रोल की जो बात है एथेनॉल के स्थान पर, वो 8.5% जो है अभी इसका प्रयोग किया जा रहा है। सरकार की ये पॉलिसी है कि हम इसे 2022 तक जो है बढ़ा करके जो है 10% कर देंगे जो है, और इसी तरीके से 2023 में जो है इसे जो है 12% करने की संभावना, और इसके योजना पर जो है काम चल रहा है, जिससे कि हम अपने जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोल इत्यादि को बचा सकें और उसमें ऐसे जो है अवयव या फैक्टर्स या कारक को जो है मिश्रित कर सकें, जिससे कि हम पर्यावरण की गुणवत्ता बना सकें, आने वाले समय में जीवाश्म ईंधनों को जो है बचा सकें, और हम इस तरीके से जो है सतत विकास की अवधारणा को जमीन पर ला सकें। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने एथेनॉल जो कि एक पर्यावरण मित्रवत ईंधन है उसके जो है उपयोग के संदर्भ में जो है इसके माध्यम से समझने का प्रयास किया। यह एक संक्षिप्त जो है लेक्चर था जो कि पर्यावरण के जो है चैप्टर में भी है, साइंस और टेक दोनों ही चैप्टर में जो समान रूप से ये आ सकता है आपके परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा दोनों के ही लिहाज से ये जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है बनता है। तो उम्मीद करते हैं इसके माध्यम से एक संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिली होगी। तो आप जो है इसके साथ साथ जो है अपने अन्य विषयों की जो बेहतर ढंग से जो तैयारी करते रहिए, और हम आगे के चैप्टर में पुनः एक नए टॉपिक के लेकर के जो मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जो बेहतर दिशा में जो है जारी रखिए। नमस्कार।